तो गाइस ये है 125 सीसी टीवीएस रैडर स्क्वाड एडिशन ब्लैक पैंथर। तो अब हम आपको इसमें दिखाने जा रहे हैं कि इसका जो मीटर कॉन्सोल है इसमें क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या दिखता है गाइस, कैसा दिखता है और क्या क्या है। तो सबसे पहले खोलते ही आपको इस तरह का मीटर कॉन्सोल देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर स्टैंड का इंडिकेटर दिया हुआ रहता है। यहाँ पर ट्रिप ए है, इतना किलोमीटर ट्रिप ए में अभी बाइक चली है। इधर की बात करें तो ये ऑडोमीटर है यहाँ पे, ये वाला, इसमें 7428 किलोमीटर मेरा जो बाइक वो चल चुका है। अभी 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अभी चल नहीं रही इसलिए 0 यहाँ पे शो हो रहा है, आपको दिख सकता है यहाँ 0। उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर गियर 3 जो इंडिकेट कर रहा है, ये है आपका गियर 3 लगा हुआ है अभी बाइक इसीलिए। और ये टाइम शो कर रहा है गाइस 11:41 हो रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हाँ सारा कुछ हो गया, ऊपर में आपको टीवीएस का बैजिंग मिल जाता है यहाँ पर देखने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पर हम दिखाते हैं क्या होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर ट्रिप बी में मेरी जो बाइक चली है 428 किलोमीटर, रेंज जो है इसकी 180 किलोमीटर की है। और जो एवरेज दे रही है गाइस, फिर इसको नीचे वाले को दबाने से एवरेज जो है बता रही है, एवरेज जो अभी दे रही है मेरी बाइक 52 किलोमीटर पर लीटर की। तो गाइस ये है मीटर कंसोल टीवीएस रैडर 125 स्क्वाड एडिशन का। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी अगर पूछना हो तो प्लीज़ मेरे चैनल के कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, वीडियो के कमेंट में, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियोस भी बना लूँगा। और डेली ब्लॉगिंग के लिए भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।